नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली जयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए वक्फ बोर्ड को भी काफी सहयोग मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से साल 2022 में हम लोगों की तरफ से कार्रवाई की गई, यही रफ्तार साल 2023 में भी चालू रहेगी, जो भू माफिया के लिए बड़ी चेतावनी है। और उन्होंने बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, 2023 का आज आगाज हो चुका है, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी 2023 के मौके पर राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड की? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये रहेगी, जो हमारे इस सरजमी पे रहने वाले तमाम आवाम है उनको तहदिल से वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से बधाई देना चाहता हूँ। और जिस तरह से सम्माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस सरकार में जितनी तमाम जो इस राजस्थान की आवाम और इस सरकार के डिपार्टमेंट्स के द्वारा किए गए डेवलपमेंट के तहत ही जितना बेहतरीन जो वक्फ बोर्ड को और इस अकलियत के डिपार्टमेंट को बेहतरीन जो सहयोग दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, उसका एक पार्ट वक्फ बोर्ड है। और निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड ईश्वर और खुदा की संपत्ति है, इसको बचाने का तो हर इंसान का धर्म बनता है, लेकिन एज ए चेयरमैन की हैसियत से जो हमारा जो एक साल का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है, इस दूसरा जो है इसमें पिछली जो साल में हमने कई स्कॉलरशिप और कई जगहों को खाली करवाने का कार्य किया, कुछ कमेटी बनाने का भी कार्य किया और डेवलपमेंट करने का भी कार्य किया, लेकिन 2023 में कुछ बोर्ड की मीटिंग के साथ कुछ और नया करना चाहते हैं। 2022 में हमने देखा राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड पे लगे थे, किसी तरह की कमेटियों को लेकर बात सामने आ रही थी अलग अलग तरह की, इस तरह के सर 2023 में किस तरह से रहने वाला है? क्या मानेंगे ये आगे आरोप भी आगे जारी रहेंगे लोगों की तरफ से जो लगाया जाता है? देखिए, जो वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो 10 साल 15 साल 20 साल से एक वहाँ पे अपना मालिकाना हक समझ करके जिस भूमाफियाओं के तहत जहाँ कब्जा करके बैठे हैं, वहाँ की इनकम पे कब्जा करके बैठे हैं, क्योंकि जब इनकम होती है 1 लाख रुपए की तो वक्फ बोर्ड सिर्फ 7% लेता है, 7 में से 1% भारत सरकार को देता है, 6% रखता है। आखिर जब 1 और 1.5 साल के लिए कमेटी बनती है, वही लोग आरोप लगा रहे हैं जो एक वहाँ जम के रहना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को, वहाँ के अधिकारियों को, उस सराउंडिंग के एरियों को अपना इंप्रेशन दिखाना चाहता है कि मैं फलां मस्जिद कमेटी दरगाह उसका सदर हूँ, उस की आड़ में वो कहीं ना कहीं बिल्डिंग का कार्य करता है या फिर कोई गलत कार्य करता है। अगर जो या राजस्थान में करीबन 150 के आसपास कमेटियां बनी, 1-2 कमेटी के अलावा राजस्थान में कहीं पर भी सब लोगों ने स्वागत किया, क्योंकि आम आवाम चाहती थी परिवर्तन मस्तक। कुछ कमेटियां ऐसी थी जो 2002 में बनी और 20-20 साल तक कहीं ना कहीं उनकी अप्रोच ऐसे लोगों की लगाते हैं झूठी और इसकी कि साहब हमें रिपीट होने दो, कुछ कोर्टों में जाने की बात करते हैं, कुछ धरना प्रदर्शन की बात करते हैं। आखिर उनको सोचना चाहिए कि जब तुम्हें बनाया गया तो इस तरह की क्या बातें हुई थी का एक बार उनको सोचना चाहिए। सर, आखिरी सवाल आपसे, 2023 में उन लोगों को क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे 1 जनवरी के मौके पर, जो लोग वक्फ बोर्ड की जमीन को खुर्द-बूर्द कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं? देखिए, करीबन अभी मैं अभी जो 4-5 दिन पहले हम बैठे थे और कोर्ट में जितने भी हमारे करीबन 178 जो वारंट लंबे समय से रखे हुए थे, जिसमें वहां के लोगों ने उसकी तामील भी नहीं करवाई, कुछ जो कब्जा हटने, निश्चित रूप से पिछली बार भी खूब जो कब्जे हटाए गए और इस बार वो निश्चित रहे कि बोर्ड के जो मेंबर और बोर्ड के द्वारा, बोर्ड के कर्मचारियों के द्वारा जितनी रिकवरी की गई, जितने जो कब्जे हटाने की बात की गई, और निश्चित रूप से 2023 इस वक्फ बोर्ड के लिए एक नया आयाम स्थापित होंगे। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जो भूमाफिया ऐसे जो तथाकथित लोग इस कमेटियों पर बन के अपने आप को स्वयंभू या धर्मगुरु मान करके दुष्ट प्रचार करके वक्फ को बदनाम करने का कार्य करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, जो लोग स्वयं यहाँ के रहने वाले नहीं हो, किसी कमेटियों पे काबिज होकर के अपने आप को किसी ब्यूरोक्रेसी के साथ जोड़ करके उनके साथ अपने धन का दुरुपयोग करके कंस्ट्रक्शन करके ये वक्फ की जमीन को खुर्द-बुर्द करें या स्वयं के बड़ा बढ़ाने का कार्य करते हैं। हम तो कहते हैं ये ईश्वर अल्लाह के जब देने वाला इस दुनिया में नहीं रहा तो इस संपत्ति को खाने वाला धर्म का पैसा है, ये गरीबों का पैसा, उसको बचाना चाहिए, इसको डेवलप करें और सरकार का फायदा लें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में खानू खान बुधवाली, जो चेयरमैन है राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2023 में जिस तरह से हम लोगों की कार्रवाई होगी वो ऐतिहासिक कार्रवाई होगी। वहीं चेयरमैन ने यहाँ से एक बड़ा पैगाम जो वक्फ बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जो कमेटियों पर काबिज हो रहे हैं, उन लोगों को भी दिया है। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज़ जयपुर।
खबर राजधानी जयपुर से है, जहां एएनएम भर्ती को पूरा करने की मांग को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। बता दें कि महिलाओं ने स्वास्थ्य भवन के सामने विरोध किया और नारेबाजी करते हुए भर्ती को पूरा करने की मांग की है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि एएनएम भर्ती को पूरा करने के लिए कोर्ट से भी आदेश हो चुके हैं, लेकिन भर्ती को पूरा नहीं किया जा रहा। इस वजह से हजारों महिलाएं रोजगार से वंचित हैं। बता दें कि मांगों को पूरा करवाने को लेकर महिलाएं पहले भी धरना दे चुकी हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। जयपुर में वेटरनरी डॉक्टर पिछले कई दिनों से लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी भारी संख्या में वेटरनरी डॉक्टर ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया था। उसके बाद लगातार 17 दिन से वेटरनरी डॉक्टर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वेटरनरी डॉक्टर को गौ संरक्षकों का भी समर्थन मिला है। राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष महंत दिनेश गिरी ने बताया कि वेटरनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन की जो मांगे हैं उनको राजस्थान गौ सेवा समर्थन करती है। उनका कहना है कि समिति का संकल्प है कि राजस्थान में एक भी गाय निराश्रित ना हो और इस कल्पना बिना डॉक्टर्स के पूरा करना संभव नहीं है। वहीं वेटरनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हम सरकार के किसी भी काम में बाधा पैदा नहीं करना चाहते हैं। वेटरनरी डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से जो मांगे हैं, राजस्थान गौसेवा समिति उनको पूर्ण समर्थन करती है। ऐसा क्यों है ये भी हम बताना चाहेंगे, क्योंकि राजस्थान गौसेवा समिति का पिछले 13 वर्षों से कार्य राजस्थान में चल रहा है और एक संकल्पना है कि पूरे प्रदेश में एक भी गाय निराश्रित ना हो, प्लास्टिक की थैली, भूखी प्यासी, बीमारी के कारण मरे ना, ये जो कल्पना है, इस कल्पना को, इस कार्य को साथ में संवर्धन की जो बात है, दूध की जो मात्रा घटती जा रही है, तमाम जो विषय हैं ये बिना डॉक्टरों के संभव नहीं है। पशु चिकित्सक साथी विभिन्न जिलों से आते हैं, 10 लोग अनशन करते हैं और धरना प्रदर्शन में बाकी साथी उनका साथ देते हैं। सरकार से हम 11 सूत्री न्यायोचित मांगों के लिए यहाँ धरने और अनशन पर बैठे हैं। हम सरकार के किसी भी कार्य में बाधा पैदा नहीं करना चाहते। हम सरकार के कान तक हमारे साथ जो दोगला व्यवहार हो रहा है उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। हमारी 2 दशकों से लंबित मांगे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हम उन मांगों पर संज्ञान ले और जिनका परीक्षण कराए, यदि वो उचित लगती हैं तो ही हमें कुछ हमारी मांगों को पूरा करें, अन्यथा हम यहाँ से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर सरकार हमें मांगों का परीक्षण करा के हमें आश्वासन दे कि ये सही है और ये गलत है। जयपुर में पीएचक्यू में नव वर्ष स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने नए साल की शुभकामनाएं दी। साथ ही महानिदेशक मिश्रा ने नए साल में भी निष्ठापूर्वक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर प्रदेश में सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने का आह्वान किया। वहीं पुलिसकर्मियों से आमजन की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने का आग्रह किया। इस दौरान महानिदेशक जेल भूपेंद्र कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। खबर जयपुर से है, जहां एसएमएस अस्पताल में कैडेवर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस हुआ। बता दें कि सड़क हादसे में घायल 45 वर्षीय ब्रेन डेड ने अंगदान किया। जानकारी के अनुसार अंगदाता का दिल दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल भेजा गया, जबकि दोनों किडनी एसएमएस हॉस्पिटल और लीवर महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट होंगे। एसएमएस अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नोडल अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र पुरोहित ने बताया कि अंगदान करने वाले व्यक्ति को 27 दिसंबर को सिर में चोट लगी थी और 1 जनवरी को हमने को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। अंगदाता के परिजन गोपाल चंद मीणा ने बताया कि पीड़ित एक्सीडेंट के कारण घायल हुए थे। ब्रेन डेड घोषित करने के बाद परिजनों ने अंगदान करने का निर्णय लिया ताकि किसी और को जिंदगी मिल जाए। मेरा नाम गोपाल चंद और जो मेरी बहनों ही हैं उनकी एक्सीडेंट के दौरान घायल हुए थे, जिनका इलाज जयपुर एसएमएस ट्रोमा में चल रहा था। अब उनको ब्रेन डेड घोषित कर दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ, ये आज ये घटना है तो आमजन के साथ होती है, किसी को जीवन दान मिले, इसलिए हमने निस्वार्थ भावना से इनके अंगदान की करने की देने की अनुमति दी। अब सभी परिवार रिश्तेदारों द्वारा सभी सहमति के द्वारा दिए गए। मैं ये चाहता हूँ किसी को जीवन दान मिले। औरों को से मैं निवेदन करूँगा, ऐसी घटनाएं होती है तो औरों को भी जीवन दान देने की कोशिश करें।
कजोड़मल उम्र 46 साल रहने वाला गोकुल कबास खंडेला सीकर का जो कि 27 तारीख को ट्रॉमा हॉस्पिटल के अंदर सर की में चोट के कारण भर्ती हुआ और 1 तारीख को इसको हमने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। ब्रेन डेड घोषित होने के बाद में इनके परिजनों से हमारे कोऑर्डिनेटर के साथ मिलकर हमने इनको ऑर्गन डोनेट करने के लिए प्रेरित किया और ये तैयार हुए। तो आज सुबह ऑर्गन रिट्राइवल की प्रक्रिया चालू हुई जिसमें इसके दोनों किडनी हार्ट और लीवर रिट्राइव किए गए। किडनी दोनों SMS में ट्रांसप्लांट होगी, लीवर को महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर भेजा गया और हार्ट वेदांता हॉस्पिटल दिल्ली भेजा गया। वीकेंड और नए साल के खास मौके पर राजधानी जयपुर पर्यटकों से गुलजार नजर आ रही है। लाखों की तादाद में पर्यटक जयपुर पहुंच रहे हैं और गुलाबी नगरी की सुंदरता को निहार रहे हैं। इस मौके पर जयपुर से हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल ने पर्यटकों से खास बातचीत की और जयपुर के खान पान को लेकर उनसे जानकारी भी ली। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। जयपुर में पर्यटकों का जो हुजूम है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर के जो अलग अलग पर्यटक स्थल है, देश विदेश से जो सैलानी है, पर्यटक है, वो जयपुर को जयपुर में अपने वेकेशन मनाने के लिए आए हुए हैं। मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि जो पर्यटक है अभी जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर मौजूद है और जो यहाँ पर जो पर्यटक है अल्बर्ट हॉल को और जयपुर के अलग अलग जो पर्यटक स्थल है उसको घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ जो पर्यटक है उनसे भी खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जयपुर में क्या खास लगा उनको, क्या चाहते हैं जयपुर से और कहां कहां घूमने आए। कुछ पर्यटक हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर आए हैं, कहां से आए हैं सबसे पहले तो ये बताइए। दिल्ली से आए हैं। पहली बार आए? बहुत बार आ चुके हैं। बहुत बार आ चुके हैं, क्या मजा आ रहा है जयपुर घूमने? बहुत अच्छा है, हम तो साल में 2-3 बार आते हैं। और भी कुछ मेहमान हैं जो जयपुर आए हुए हैं, जयपुर आए हैं, क्या कुछ खाया आप लोगों ने? बाहर से आए ऐसा लग रहा है। हाँ, दिल्ली से आए हैं हम, कैलाश नगर से, और अल्बर्ट हाउस हम दूसरी बार आ रहे हैं देखने। पहले हमने देखा था, अब बच्चों को दिखा रहे हैं। वेकेशन मनाने हैं? नहीं, वेकेशन में तो नहीं, हम हर महीने आते हैं वैसे तो। हाँ जी, हम जैनी तीर्थ के हिसाब से आते हैं। जैनियों का हमारा तीर्थ है सांगानेर, हम वहीं पे आते हैं। बिल्कुल, जो पर्यटक है वो यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं और भी जो कुछ आम जनता है, जो पर्यटक है बाहर से आए हुए हैं उनसे भी बातचीत कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं, जयपुर को एंजॉय कर रहे? एग्जैक्टली, मैं जयपुर को बहुत एंजॉय कर रही हूँ और जयपुर से ही हूँ। जयपुर से ही जी। कैसा लग रहा है अभी वेकेशन चल रहे हैं? अच्छा लग रहा है, रश है चारों तरफ, अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं जयपुर को घूमकर और काफी जो पर्यटक है यहाँ पर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और भी जो कुछ है युवा है, यूथ है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं? जयपुर से। हाँ हाँ, अक्सर जो ये अल्बर्ट हॉल है जो प्री वेडिंग शूट के लिए यहाँ पर जाना जाता है, जो शादियाँ करते हैं न्यू कपल वो यहाँ पर प्री वेडिंग शूट करवाता है। और भी कुछ पर्यटक है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि राजस्थान के बाहर से आए हुए हैं पर्यटक, जयपुर को एंजॉय कर रहे हैं, जयपुर के जो चाट पकौड़ियाँ हैं फेमस चाट पकौड़ियाँ उसको खाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? और MP से आए हैं। कैसा लग रहा है जयपुर? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या खाया जयपुर में, क्या खाया? सभी चीजें अच्छी लगी है। अभी कहाँ कहाँ घूमे हैं? हवा महल, तोप घूमे हैं, आमेर फोर्ट। हाँ, आमेर फोर्ट घूमे हैं। मजा आया? हाँ मजा आया, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पे जयपुर में। जल महल में भी देखा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जयपुर। MP से आए हम। महंगा महंगा थोड़ी लगा कुछ? नहीं, कुछ महंगा तो नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ महंगा तो नहीं है, क्योंकि महंगाई देख के तो कुछ ऐसा महंगा नहीं लगा है। तो मजे कर रहे हैं, मतलब मजे कर रहे हैं। और भी कुछ जो पर्यटक हैं वो हमारी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत करेंगे पर्यटकों से। कैसा लग रहा है जयपुर? हम तो जयपुर के हैं। जयपुर से ही हैं, वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं बहुत। क्या क्या कुछ खास करने वाले हैं क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन है? हम दोनों तो कॉन्सर्ट्स वगैरह में जाने की सोच रहे थे। बिल्कुल, सभी जो पर्यटक हैं, कुछ लोकल भी है जयपुर के जो अभी वैकेशन चल रहे हैं तो अलग अलग जो पर्यटक स्थल है वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं और जो बाहर के जो पर्यटक है, राजस्थान के बाहर के जो पर्यटक है वो राजधानी जयपुर के अलग अलग जो पर्यटक स्थल है उसको एंजॉय करते हुए इस वैकेशन में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज जयपुर।
तो वही राजधानी जयपुर में पतंगबाजी परवान पर है। कुछ दिनों बाद शहर में मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और इस बार कार्टून्स और राजनेताओं की फोटो लगी पतंगों का जो क्रेज है वो देखने को मिल रहा है। इस दौरान इंडिया न्यूज संवाददाता ने दुकानों का जायजा लिया और तो आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में इस वक्त पतंगबाजी का जो परवान है वो लोगों पर चढ़ा हुआ है। कुछ दिनों बाद शहर में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा और इस बार कार्टून्स और राजनेताओं की फोटो लगी पतंग का जो क्रेज है वो देखने को मिल रहा है। इस दौरान इंडिया न्यूज संवाददाता ने दुकानों का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल की स्पेशल रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में आम जनता के सर पर पतंगबाजी का जो क्रेज है वो छड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर के एक बाजार में मौजूद है जहां पतंगबाजी जो है वो यहां पर दुकानों पे पतंगे साफ तौर पर देख सकते हैं और अलग अलग तरीके की इस बार भी क्या क्रेज है पतंगों का, किस टाइप की पतंगे आई हुई है बाजारों में, वो यहां पर जो दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वापस से जो चाइनीज मांझे का जो क्रेज है आज भी जो बाजारों में चुपचाप से दुकानों में धड़ल्ले से बिकता हुआ नजर आ रहा है। दुकानदार है जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। लगातार जो चाइनीज मांझे का जो क्रेज है बच्चों में जो दुकानदार है चुपचाप से बेचते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी क्या ये चाइनीज मांझा बेच रहे हैं? नहीं जी नहीं, हम चाइनीज ना बेचते हैं, ना बेचने वालों के भी खिलाफ है और जो उड़ाता है उनके भी खिलाफ है। चाइना बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, बैंड होना चाहिए, जहाँ से भी आ रहा हो बिल्कुल इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गुपचुप बेच रहे हैं का आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं ईमानदारी से? इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, एकदम सच्ची बात है। हम खुद खिलाफ है इन चीज से, हम ये नहीं चाहते कि अगर चाइना उड़ाने दे किसी का बच्चा, किसी का पक्षी या नुकसान हो किसी का, हम खुद नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं चाइना का बिल्कुल बहिष्कार किया जाए और चाइना बिल्कुल बंद किया जाए और इसकी कार्रवाई सख्त की जाए, हर छत पर की जाए, हर दुकानदार के पास की जाए, बिल्कुल कंप्लीट की जाए इस कार्रवाई को। दुकानदार, कुछ दुकानदार चाहते हैं कि चाइनीज मांझा बेचने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो और कुछ बच्चे भी है उनसे भी बातचीत करेंगे। बेटा किस तरीके की पतंग ले रहे हैं आपकी बार? हम हमेशा कागज की पतंग लेते हैं, इस बार भी कागज की लेंगे। वो कार्टून में कार्टून बनी हुई जो पतंग आती वाली नहीं, हम कार्टून वाली को इतना हमारा क्रेज नहीं है। बड़े हो गए इसलिए? नहीं ऐसी बात नहीं है, कार्टून वाली हमें उड़ाना पसंद नहीं है। क्या नाम है आपका? आयुष उदासी। बिल्कुल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं क्योंकि शनिवार है और कल रविवार है तो बच्चे पतंग लेने दुकानों पे आए हुए हैं और भी जो है दुकानदार है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके के जो आम जनता है, जो ग्राहक है, वो इस बार पतंगे मांग रहे हैं? इस बार जो है प्रिंटेड में ज्यादा है, जैसे बच्चों की पतंग हो गई छोटी, डोरेमोन भीम, छोटा भीम, और भी कई वैरायटी है। जैसे कि ये पतंग दिखाना चाहूंगा आपको, ये देखिए टॉम एंड जेरी की बढ़िया पतंग है, शानदार। और हमारे यहाँ डायमंड, न्यू डायमंड की शानदार पतंगे होती है। कितने रुपए की बिक्री है अभी पतंगे? ये पतंग 5 रुपए की एक है और होलसेल में अगर ग्राहक लेता है तो 250 रुपए सो है मात्र। ग्राहकों को कुछ महंगा लग रहा है जो ग्राहक है? नहीं महंगा कुछ नहीं है, अभी सस्ता है, महंगा तो अब होगा जैसे जैसे दिन करीब आ गए। ग्राहकी ठीक है? अभी ग्राहकी ठीक है, बच्चों में क्रेज है, छुट्टियाँ पड़ी हुई है। और जो कांच के जो मांझे हैं वो भी क्या उसकी बिक्री अच्छी है या? हाँ हमारे यहाँ शुरू से वर्षों से जो है कांच का मांझा ही बेचा जा रहा है, जो धागे से बनता है कॉटन का मांझा, और जो है चाइनीज के खिलाफ है, हम चाइना मांझा नहीं बेचते हैं और बेचने वालों के भी खिलाफ है। ठीक है, जो दुकानदार है उनका सीधे तौर पर कहना है कि चाइनीज मांझे का बहिष्कार करने की जरूरत है, कुछ दुकानदारों को भी और आम जनता को भी, क्योंकि घातक जो चाइनीज मांझा है वो अगर कट के कहीं गिरता है किसी वाहन चालक के ऊपर तो उसकी यहाँ पर मौत भी हो सकती है, क्योंकि चलती गाड़ी पे मांझा कट के आता है। तो सीधे तौर पर जो पतंगबाजी का जो क्रेज है राजधानी जयपुर में, पतंगबाजी एक कला है, वो आम जनता अपनी छतों पे दिखाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। मेरे सहयोगी राकेश के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज जयपुर।
तो वहीं अब खबर जयपुर से है, जहां कुछ दिन पहले एक ज्वेलरी की शॉप में चोरी हुई थी। इस मामले में मुरलीपुरा थाना पुलिस ने वारदात का खुलासा किया, चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में महेंद्र, घनश्याम, सत्येंद्र और अंकित को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी नशे के आदी हैं और पहले दुकानों की रेकी करते हैं और उसके बाद वारदात को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल बरामद किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। हाँ चलो। खबर जयपुर से है, जहां सांगानेर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें पुलिस ने कई मामलों में फरार चल रहे शातिर नकबजन केशु को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी 12 से ज्यादा मुकदमों में फरार चल रहा था। वहीं पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले दो और लोगों को भी गिरफ्तार कर मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।